बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो दुबई रहते हैं और जो दुबई के करीब रहते हैं, जैसे शारजा शारजा वालों के लिए भी अच्छी खबर है। पाकिस्तान को 75 ईयर्स होने को हैं और उसकी खुशी में जो है दुबई हुकूमत ने ऐलान किया है कि दुबई में जो है 75 दिरहम का, इस खुशी में किसी को भी, कोई भी हो, किसी कंट्री का भी हो, वो अब टेस्ट 75 दिरहम का करवाए। और उसके बाद जो अगर टेस्ट में कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी शो हो गई या आपको पहले से थी तो उसके बारे में मेडिसिन और तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल कंसल्टेंट जो है आपको मशवरा, जो भी कुछ आपको बताया जाएगा, जो भी कुछ आपकी केयर की जाएगी वो बिल्कुल फ्री की जाएगी। उसके लिए आप रابطہ, आपने दुबई में कैंप लगाया, इसको फ्री कैंप उन्होंने कहा, फ्री कैंप डॉक्टर हेल्थ की तरफ से है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वो नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर लें, वहाँ पे नंबर में कॉल करके आप पूछ सकते हैं 100% लोकेशन ये किधर है। अगर आप शारजा में दुबई में मौजूद हैं तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, दुनिया के, इंडिया के, बांग्लादेश कोई भी है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान की वजह से की है कि पाकिस्तान की जो 75 ईयर जो हो गए उसकी जो जैसे 14 अगस्त आ रही उसकी खुशी में उन्होंने ये कैंप लगाया। तो बार बड़ी अच्छी खबर थी। दूसरी खबर ये है कि जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए थे, वो टूरिस्ट वीज़े थे या रेजिडेंट परमिट थे, वो उनके 3 माह के लिए आगे बढ़ा दिए गए हैं। 3 माह के लिए आप अंदर अंदर आप लोग ट्रैवल कर सकेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद 1 माह मज़ीद आपको दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें। आप अपना भी वीज़ा चेक करें कि आपका ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया होगा, या बहुत से लोग बता रहे हैं कर दिया, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। मैंने कहा आपको बताएं, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।